हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द स्टडी पॉइंट क्लास नाइन्थ सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर वीडियो सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस यूअर क्लास ट्वेल्व फ्लेमिंगो बुक लास्ट पोएम विच इज़ आंट जेनिफर्स टाइगर जी हाँ अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली समझ ली तो आपको यह पोएम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी फॉर योर बोर्ड एग्जाम सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट डिस्कस द पोएम सबसे पहले पोयम डिस्कस करने से पहले अबाउट द पोएट जान लेते हैं कि आखिर पोएम लिखी किसने है So the poet of the poem is Adrienne Rich. Adrienne Rich was born in USA. She is widely known for her involvement in the contemporary women's movement as the poet and theorist. In this poem, she addresses the problem which is faced by a married woman and she has tried to explore the inner feelings of a woman who is living her life under the dominance of a man. So, now start the poem. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They peace in sleek, chivalric certainty. Aunt Jennifer's जेनिफर्स फिंगर्स through थ्रू हर find फाइंड इवन ivory एवोरी निडल्स to टू पुल massive weight ऑफ the अंकल वेडिंग बैंड शी heavily अपॉन्स Aunt जेनिफर्स हैंड सबसे पहले तो कुछ वर्ड्स मीनिंग के डिस्कस कर लेते हैं प्रांस का मतलब होता है वॉकिंग एनर्जेटिकली टोपैस का मतलब होता है शाइनी येलो क्रिस्टल वर्ल्ड ऑफ ग्रीन्स मीन्स फॉरेस्ट डेनिजन्स मतलब कोई सा भी पर्सन एनिमल और प्लांट जो कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में रह रहा है पेनिथ द ट्री मीन्स ट्री के नीचे पेस मीन्स गति चाल या कदम स्लीक मीन्स शूरवीर एंड chivalric certainty मीन्स निश्चित रूप से फ्लटरिंग मीन्स नर्वस एंड टेरिफाइड मीन्स अफ्रेड सो so, सबसे पहले तो जो पोयम है वो बिगनिंग हो रही है जिसमें जो आठ जेनिफर्स है वो हमें बता रही है टाइगर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन जो टाइगर्स है वो वॉक कर रहे हैं एनर्जेटिकली ऑन अ स्क्रीन पर मतलब स्क्रीन अभी यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं करा गया है जैसे जैसे हम पोयम में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कौन से स्क्रीन की बात हो रही है अभी आप फ़िलहाल यहाँ पर इतना समझें कि जो टाइगर्स है वो एनर्जेटिकली वॉक कर रहे हैं ऑन अ स्क्रीन टोपैस का मतलब है कि जो टाइगर्स है वो बहुत ही ब्राइट है जैसे आपने टाइगर्स को देखा ही होगा नहीं भी देखा है तो स्क्रीन पर जैसे आपको दिख रहे होंगे टाइगर्स के ऊपर ब्राइट येलो क्रिस्टल शाइनी येलो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो उनके लुकों को कितना अच्छा कर देते हैं वही यहाँ पर बात हो रही है जो टाइगर्स है वो कहाँ के रहने वाले फॉरेस्ट फौर, के रहने वाले वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब यहाँ पर फॉरेस्ट और वो जो टाइगर है उन्हें किसी भी मैन का भी डर नहीं है और वो बिल्कुल शूरवीर की तरह जैसे शूरवीर चलते हैं, उसी प्रकार से शूरवीर की तरह अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं बिना डरे तो यहाँ पे हमें आंट जेनिफर्स ने टाइगर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है सेकेंड स्टेंजा में जो आंट जेनिफ़र्स है वो बता रही हैं कि वो टाइगर्स को क्रिएट कर रही है टाइगर्स को कहाँ पर क्रिएट कर रही है अब पैनल पर क्रिएट कर रही है और ऑन अ वुलन क्लॉथ पर क्रिएट कर रही है किसकी हेल्प से विद द हेल्प ऑफ ईवोरिंग नीडल की हेल्प से जिस प्रकार से आपकी जो दादी होती है वो ठंड के मौसम में कपड़े सिलते हैं विद द हेल्प ऑफ ईवोरिन नीडल ठीक उसी प्रकार से जो आन जेनिफर्स है वो भी ईवोरी नीडल की हेल्प से पैनल पर और क्लॉथ पर टाइगर्स का ड्राइंग कर रही है विद द हेल्प ऑफ विद्पल की हेल्प से और वो फिगर बना रही है फियरलेस वाला या एनर्जेटिक टाइगर्स का जो कि रोम कर रहे हैं फ्रीली ऑन द फॉरेस्ट अब मुझे होप है कि तुम्हें स्क्रीन का मतलब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे स्क्रीन मींस जिस पेंटिंग पर वो टाइगर क्रिएट कर रही है उस स्क्रीन की बात हो रही है तो यहाँ पे हमें आन जेनिफ़र्स बताना क्या चाह रही है आन जेनिफर्स हमें एक्चुअली यहाँ पे यह बताना चाह रही है कि वो लाइफ जी रही हैं अंडर द डोमिनेंस ऑफ हर हस्बैंड जो पैटर्न है ब्राइट टाइगर्स का वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उनकी इनर डिज़ायर को कि उन्हें लाइफ चाहिए फ्रीडम वाली कि वो अब फ्रीडम वाली लाइफ चाहती हैं फर्दर यहाँ पे जो पोएटर्स है वो कह रही हैं कि जो आंट जेनिफर्स है वो ज़्यादा ओल्ड है वीक है डेट्स वाई उनकी जो फिंगर्स है वो फ्लटरिंग कर रही है जब वो ड्राइंग बना रही है उनकी जो फिंगर्स है वो फ्लटरिंग के साथ ट्रैवलिंग भी कर रही है जब वो टाइगर बना रही है और उनके जो हस्बैंड है वह भी उनसे बहुत ज़्यादा हार्ड है उनके प्रति बहुत कठोर है डेट्स वाई दे शीज स्केर्ट ड्यूरिंग एम्ब्रॉयड्री टू और यहाँ पर जो मैसेव वेट है अंकल्स वेडिंग बैंड का वो क्या सिग्निफाई कर रहा है वो यह सिग्निफाई कर रहा है कि जो बर्डन है मैरिज का उसे उन्हें एग्जॉस्टेड करके रख दिया है मतलब अब वो बिल्कुल मैरिज से तंग आ गई है उनकी उनकी तो, पर जो बर्डन है उनकी मैरिज का उन्हें पूरा नष्ट करके रख दिया है आगे बढ़ते हैं पोयम में वेन आंट इज डैड हर टेरिफाइड हैंड्स विल स्टिल रिंक्ड विद द ओरडियर्स शी वॉज मास्टर्ड बाय द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनफ्रेड फर्दर यहाँ पे जो पोएटिस हैं वो बता रही हैं कि जब आंट मर जाएंगी तो उनके जो टेरिफाइड हैंड्स थे टेरिफाइड मीन्स जो अफ्रेड हैंड्स थे वो बता देंगे कि उन्होंने कैसी अनहैप्पी लाइफ जी है पर जो उनके द्वारा जो टाइगर्स क्रिएट करे गए हैं वो रोमली फ्रीली हैप्पीली फियरलेसली अपनी लाइफ को जिएंगे थर्स यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पोएटेज है उन्होंने वेल well प्रेजेंट करा है एक आयरनी को आंस क्रिएशन की डेट इज जो टाइगर जो उनके द्वारा क्रिएट करे गए है, और हैंड जो उनकी इमेजिनेशन को रिफ्लेक्ट कर रही कि, कि किस प्रकार से वो लाइफ जीना चाहती है टू गेट अ फ्रीडम इन हर लाइफ ऑन द अदर हैंड शी वॉज लिविंग अ लाइफ अंडर द डोमिनेंस ऑफ हर हस्बैंड मेन यहाँ पे हमारी पोइम खत्म हो जाती है बिल्कुल छोटी सी पोइम थी आई होप कि तुम्हें समझ में आई गई होगी अगर नहीं आई हो तो आप एक बार आप इसे रिकैप करके देखिए पूरी समझ में आ जाएगी मैंने कोशिश करिए कि मैं पाँच मिनट में तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूँ सो दैट्स ऑल फॉर दिस मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इट मोटिवेट्स अस फॉर मेकिंग वीडियो थैंक यू सो मच